हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आर से एजुकेशन हब बांसू बेटा। आई होप यू ऑल आर फाइन, स्टेइंग सेफ एट होम। सो बिफोर द डे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1, ओके, द लिविंग वर्ल्ड। और उसमें हम जो पहला वाला पोर्शन था, व्हाट इज लिविंग, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ओके, और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम ये डिफाइन कर सकते हैं दैट द विच ऑर्गेनिज्म इज लिविंग एंड विच वन इज नॉन लिविंग, ओके। सो हमने इससे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ओके। ग्रोथ में आपने देखा कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है इफ यू टॉकिंग अबाउट द इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, बट इंटरनल सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। फिर हमने डिस्कस किया अबाउट द रिप्रोडक्शन, हमने उसमें भी देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड। रिप्रोडक्शन में हमने टू टाइप्स डिस्कस की थी, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, दो तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, एक एनाबॉलिक जिसमें सारे सिंथेटिक रिएक्शन होती है या सिंथेसिस टेक्स प्लेस करता है, ठीक है, और दूसरी कैटाबॉलिक रिएक्शन हमने डिस्कस की थी। कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमने देखा था कि सारी जो भी ब्रेकडाउन या डिसोसिएशन जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट द लाइफ स्पैन, तो देखिए लाइफ स्पैन की हम बात कर रहे थे कि वो टाइम पीरियड या टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ टू डेथ, यानी कोई भी बेबी का जन्म होता है, उसकी डिलीवरी होती है, उसके बाद उसकी डेथ तक जो भी टाइम पीरियड है, नॉट ओनली ए बेबी, किसी भी प्लांट की हम बात कर सकते हैं, किसी भी एनिमल की बात कर सकते हैं, किसी इंसेक्ट्स की बात कर सकते हैं, ओके। तो वो क्या होता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन को आप याद रखेंगे क्योंकि ये 12th क्लास के भी फर्स्ट चैप्टर में भी यही है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होता है, इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता हो जो लिली का प्लांट है उसकी लाइफ स्पैन 1 डे होती है, डॉग्स की लाइफ स्पैन 15 to 20 days होती है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ स्पैन तो आप कितना मान सकते हैं, नियर बाई 70-80s, ओके, बाकी उससे ज्यादा भी लोग जी जाते हैं, ऐसी बात है नहीं, ओके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज नोन एज कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस क्या होता है भाई, कॉन्सियस हम किसको कहते हैं, जो हॉस में हो तो क्या हम सब बेहोश होते हैं या और ऑर्गेनिजम्स बेहोश होते हैं, नहीं। कॉन्सियसनेस का मतलब अवेयर अबाउट यानी खुद के बारे में तो अवेयर होना ही होना है, ठीक है। यहाँ हम इसको कह सकते हैं अगर सेल्फ के बारे में अवेयर हो तो उसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। और कॉन्शियसनेस हम कह सकते हैं कि अपने सराउंडिंग के बारे में जो अवेयर होते हैं, जिसको पता होता है मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हीट है, कोल्ड है, रेनी सीजन है, कुछ और है, कोई पिंच कर रहा है, कोई स्लैपिंग कर रहा है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करे, यानी उसको दुख दर्द हर तरह की चीजें जो होती है उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, दैट द पर्सन इज कॉन्शियस। आपने देखा होगा कुछ मैड पर्सन होते हैं, ठीक है, मैड का मतलब क्या होता है, यानी उनका जो माइंड है, उनका जो नर्वस सिस्टम है, वो स्टिमुलाई जो भी होते हैं, जो भी मतलब हीट है, कोल्ड है, किसी में भी आप टच करो दे डोंट नो अबाउट इट, यानी उनकी जो बॉडी वो रिस्पॉन्ड करती ही नहीं है, ओके। तो कॉन्सियसनेस में क्या कह सकते हैं, क्या वो कॉन्सियस है, नहीं है। क्यों कॉन्सियस नहीं है, क्योंकि उसको अपने सराउंडिंग के बारे में कोई चीज का एहसास ही नहीं होता है, क्लियर। सो कॉन्सियसनेस यानी अपने सराउंडिंग के बारे में अगर कोई ऑर्गेनिज्म कॉन्सियस है, भाई आपके टेबल है, आपकी चेयर है, क्या उनको सर्दी अगर नहीं लगती है, नहीं लगती, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग, ठीक है। तो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सियस होते हैं, इज इट क्लियर, वो क्या होते हैं, कॉन्सियस होते हैं, दे नो अबाउट देयर सराउंडिंग, जितनी भी रिस्पॉन्ड वो जितनी भी स्टिमुलाई उनको मिलती है, कोई भी स्टिमुलस उनको मिलता है तो वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को आप चाटा लगा हो तो रोएगा, रोना क्या है, उसका रिस्पॉन्स है, स्टिमुलाई है, आपने जो स्लैपिंग किया था दैट इज स्टिमुलाई, ठीक है। अब अवेयर अबाउट द सेल्फ, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, और सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है सिर्फ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस, यानी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम ये नहीं कह सकते, देखिए एक्सेप्शनल केसेस आर ऑब्वियस है, बट ह्यूमन बींग्स की एक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कॉन्शियसनेस तो है बिकॉज वो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनमें कॉन्शियसनेस होती है, इज इट क्लियर। तो वो कॉन्शियसनेस तो है, यानी वो दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर सराउंडिंग्स,
बट सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारे बारे में हम ही क्या है, कॉन्शियस है। भाई आपको स्कूल जाना है, आपकी यूनिफॉर्म प्रेस नहीं है, वॉश नहीं है, तो आप थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं मैं ऐसा कैसे जा सकता हूँ, गंदे कपड़े पहन के मैं नहीं जा सकता, मुझे तो वॉश आउट और अच्छे वेल ड्रेस्ड मैं होकर ही स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी। तो वो क्या होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, ऐसा तो है नहीं कि आप जिस बिस्तर पे बैठे हैं वहां पे कुछ भी गंदगी पड़ी हुई और आप वहीं पे बैठ जाएंगे जाके, ठीक है। यानी बहुत से कुछ तो एनिमल्स भी सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, बट ह्यूमन बींग्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंड। तो ये क्या होता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होता है अवेयर अबाउट आवर सराउंडिंग्स। ओके, और अगर अवेयर अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ या अवर सेल्फ अगर हम हैं, खुद को अवेयर करते हैं हम अपनी चीज को लेके, तो वो की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अच्छा देखिए, इस लास्ट प्रॉपर्टी से पहले एक और प्रॉपर्टी आएगी, दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, ठीक है। एक सिक्स्थ और प्रॉपर्टी है, दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। self-regulating
and respond to the stimuli. Bye.